देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फिरौती लेकर खेतिया के चर्चित किराना व्यवसायी मनोज पारेख का दिन दहाड़े अपहरण कर बंधक बनाने वाली गैंग को बड़वानी पुलिस ने 3 राज्यों में 600 किलोमीटर पीछा कर 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप दबिश देकर बड़वानी पुलिस ने व्यापारी को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया। झाबुआ पुलिस की त्वरित मदद से सभी किडनैपर्स को आधी रात को घर पहुंचने से पहले ही दबोचा। किडनैपर से वारदात में प्रयुक्त 3 अवैध हथियार के जब्त। किडनैपिंग की सूचना मिलते ही बड़वानी पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने कुल 60 पुलिसकर्मियों की 10 अलग अलग टीम की थी गठित। परिजनों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, साइबर एनालिसिस, गुजरात पुलिस से समन्वय, किडनैपर्स की पहचान, घटना में प्रयुक्त वाहन की जानकारी, सीमावर्ती जिलों से तालमेल आदि अनेक पहलुओं पर किया गया लगातार 24 घंटे कार्य। 500 से ज्यादा कैमरे किए गए चेक। किडनैपर्स का खेतिया से लेकर शहदा, प्रकाशा, कलकुआ, महाराष्ट्र शैलंबा, राजपीपला, केवड़िया, दाहोद, गुजरात होते हुए झाबुआ तक कुल करीब 600 किलोमीटर तक किया बड़वानी पुलिस ने पीछा और अंत में झाबुआ पुलिस की मदद से करवट में किया गिरफ्तार। प्रारंभिक पूछताछ में किडनैपर्स मनु उर्फ मनोहर पिता नारायण पवार, सचिन पवार, देवेंद्र पिता मनोहर पवार निवासी सेलंबा गुजरात के कहने पर अपहरण करना स्वीकारा है। बड़वानी पुलिस की टीम षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी हेतु कही हुई तत्काल रवाना। देखिए रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज पारख, खेतिया निवासी। क्या घटना हुई थी आपके? ये कुछ गुंडे आए मेरे को, ये 6-7 लोग आए और इन्होंने मेरे को दुकान से उठा लिया। इन्होंने बिल्कुल स्प्रे मारा मुंह पर और वैसे ही इसको टांगा टोली करके गाड़ी में डाल लिया मेरे को। मैं आवाज देते ही रहा, पैर झपकते रहा, पर किन्हों ने कुछ सुना नहीं। किराने का व्यवसाय है। ये यहाँ से लेके गए थे शारदा, प्रकाशा होते हुए डेढ़िया पाड़ा और वहाँ से केवड़िया सरदार सरोवर वल्लभ भाई पटेल के स्थान पे। वहाँ बंधक बना के कॉटेज में रखा गया था। मारपीट भी की मेरे साथ में। मेरे को ये बोलते थे कि इन्होंने 2 दिन पहले भी आके धमकाया था कि आप पैसे दो, आपके बच्चे की शादी है, पैसे दो या फिर आप जमीन आपके हमारे नाम पे करके दो। तो मैंने ना बोल दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। इन लोगों को जानते हैं आप? इन लोगों को नहीं जानता हूँ साहब। व्यापारी हाँ, ये जो मुख्य आरोपी है वो आरोपी है सेलंबा का मनु पवार, देवेंद्र पवार और सचिन पवार और शंकु और मनोहर धर्मानी सोनगढ़ वाला, साहिल छादा वाला, फयाज छादा वाला, रोहन, ये सभी आरोपी और भी आरोपी है एक दो जिनको नाम मेरे को याद नहीं है अभी। और बता, मेरा कोई व्यापारी लेन देन नहीं है, सारा व्यापार क्लियर किया हुआ है। मैं तो 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ साहब, इससे नहीं, इनके साथ नहीं मैं व्यापार दुकान पे मेरे पिताजी के साथ ही करता था। अब मेरे पिताजी नहीं है तो मैं व्यापार करता हूँ जी। नहीं, इनसे 5 मसाला वगैरह लेता था, इनका पैसा पूरा क्लियर किया हुआ, अकाउंट क्लियर है। इनसे संबंध तो पुराने से, 20 साल पहले से संबंध थे इनसे। नहीं, कुछ भी बकाया नहीं है इन लोगों का जी, पूरा भुगतान किया हुआ बैंक से द्वारा किया हुआ जी साहब, प्रमाण पत्र पूरे है साहब। सर, जिले के खेतिया में एक अपहरण का मामला सामने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, क्या था पूरा मामला? ये कल दिनांक 16 जून को खेतिया से मनोज पारेख नामक एक व्यापारी को दोपहर के समय उनकी दुकान से 6-7 लोग एक वाहन में आए थे और मारपीट कर उन्हें बंधक बनाकर अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए थे। उक्त घटना का उसी दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली थी। पुलिस को ये जानकारी मिलते ही सर्वप्रथम 365 IPC किडनैपिंग का बड़वानी पुलिस ने केस रजिस्टर किया था और इसके बाद बड़वानी पुलिस ने, चूँकि अपहरण का मामला था और दोपहर के समय एक व्यापारी को अज्ञात बदमाश लेकर गए थे, तो इसको पूर्ण गंभीरता से लेते हुए एडिशनल SP प्रजापति के जी के मार्गदर्शन में
हमने कुल 60 लोगों की डेडिकेटेड अलग अलग 6 टीम बनाई थी और सभी टीम्स ने लगातार अलग अलग पहलुओं पर काम किया, जिसमें हमने करीब 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके साथ ही जो अज्ञात वाहन दिख रहा था उसके बारे में जानकारी एकत्रित की। जो वारदात हुई थी अपहरण की और जो सीसीटीवी में कैद हुई थी उसमें जो संदिग्ध नज़र आ रहे थे उनके आइडेंटिफिकेशन पर हमने लगातार काम किया। इसी के साथ साइबर की जो टीम थी वो लगातार एक्टिव जो फील्ड में टीम्स हैं उनकी मदद कर रही थी। इस प्रकार से बड़वानी पुलिस ने कुल 60 पुलिस कर्मियों की टीम गठित करके लगातार 14 घंटे में करीब 500 से ज़्यादा फुटेज खंगालते हुए जो हमारी अपराधियों को पकड़ने वाली टीम थी उसने करीब 650 किलोमीटर अपराधियों का पीछा करते हुए फाइनली सभी किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है और उनसे प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर गुजरात में केवड़िया से जो अपहृत व्यापारी था उनको भी सकुशल दस्तयाब किया गया है। इस 14 घंटे चले ऑपरेशन में बड़वानी पुलिस ने न सिर्फ दो राज्यों की पुलिस से लगातार समन्वय बनाए रखा, जिसमें गुजरात पुलिस ने भी समन्वय किया महाराष्ट्र पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया और इसके साथ ही जब देर रात्रि में हमें एक इम्पॉर्टेंट लिंक मिली थी कि किडनैपर्स जो हैं वो केवड़िया में अपहृत व्यापारी को बंद करने के बाद वापस जहाँ से वो बिलोंग करते थे उज्जैन के नागदा ज़िले में वहाँ अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो इस पर झाबुआ पुलिस से हमने सहयोग चाहा, जिस पर झाबुआ पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन सर के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और लगातार मॉनिटरिंग करते हुए